नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एन जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 26 अभ्यास संख्या 8 की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 5 मिनट तथा गति 60 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उपसभापति महोदय, हमारे देश के सामने और सारे विश्व के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे बेकारी, बेरोजगारी, जनवृद्धि, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद, इनसे निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है और योजनाओं के माध्यम से समस्याओं को कम करके या दूर करने का प्रयास किया जाता है, परंतु आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो सारे विश्व में एक साथ जन्म ले रही है। देश में उपजे आतंक को सरकार पुलिस आतंक से दबाने का प्रयास करती है। नतीजा यह होता है कि आतंकवाद दोबारा जन्म लेता है तो पुरानी से दोगुनी ताकत लेकर उभरता है। यही नहीं, जब आतंकवाद को दबाया गया था उस समय पुलिस या सेना द्वारा प्रयुक्त साधनों का भरसक प्रयत्न किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। आपको और मुझे इस बात की शर्म होनी चाहिए कि देश के लोग इन आतंकी ताकतों को शरण देते हैं और जनहानि एवं राष्ट्रहानि कराते हैं। मेरा मानना यह भी है कि आज के समय में लोगों को वह शिक्षा नहीं दी जाती जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो और उनकी समझ में आ सके कि यह राष्ट्र हमारा है तथा इस राष्ट्र की संपत्ति हमारी है। आप स्वयं विचार कीजिए कि यह हालत क्यों हुई। आप महसूस करेंगे कि लोगों ने हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीयता के बीज न बोकर मतभेदों के बीज बोए हैं। कोई भी दल हार जाता है वह यह नहीं कहता कि अमुक राष्ट्र हमारा है एवं यह सरकार हमारी है। वह तो केवल सरकार विरोधी नीतियों में लगा रहता है और सरकार एवं राष्ट्र को लगातार क्षति पहुंचाता रहता है। उसे तनिक भी महसूस
नहीं होता कि हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। आप दलों के लिए आचार संहिता की बात करते हैं। आचार संहिता केवल चुनाव तक ही लागू रहती है, परंतु चुनाव के बाद आचार संहिता लागू नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद पुनः अपने पैर पसार लेता है। तो आज के लिए इतना ही।